नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नकोदर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने किया काबू, 3 क्विंटल सरिया किया बरामद। नकोदर पुलिस ने दड़ा सट्टा लगाने के आरोप में 2 लोगों को किया काबू, 20,610 रुपए की नकदी, 1 मोबाइल और दड़ा सट्टे का सामान किया बरामद। सुनाम में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने रिटेल सब्जी मंडी का किया उद्घाटन, 116 रेहड़ी फड़ी वालों को सौंपे अलॉटमेंट पत्र। और अब हलचल विस्तार से। नकोदर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नकोदर सदर थाने के ASI अमरीक सिंह ने बताया कि नकोदर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को काबू किया गया है, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 3 क्विंटल सरिया बरामद किया गया है, जिनकी पहचान हरविंदर पाल, परमजीत सिंह और धर्मप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। इनका एक साथी जिसका नाम सिमरनजीत सिंह है, वह फरार हो गया है, जल्द ही उसे भी काबू कर लिया जाएगा। नकोदर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये चोरी का मामला जी, अपने सड़क वाले नहीं जो बनाते सड़क हाईवे जो मंडिया कटरा, इस काम करते बंदे सरीए का, वो इन्हें जो उ फोरमैन इंजीनियर है जोड़े, उन्होंने साढ़े को कंप्लेट की भी साडा चोरी सरीया होया। अं नाका लाया जो दसा कि बंद ने कार मुक ने सू, तो अं इन नाका ला के पढ़ने की कोशिश की। उत्थे ये 2 मोटरसाइकिल तैयार है, 4 जन, एक भजन में सफल हो गया, 3 फड़ लें मौके पर। परमजीत है, परमजीत के नाल 2 साथी है, तो चौथा भज गया, उसे रेड रूड किया, अज घर नहीं मिले, वह डैडी अगर मिले तो कहते भी अं पेश करा देंगे। इन्हों अज पेश करके तो बाकी कार्रवाई चली जाती है। हाँ जी, उन्होंने कंप्लेट दी सू, वो आन डाया दरखास्त देने सू, अं मुद्दा से बहर, वो कहते 3-4 क्विंटल का है जी। ये चोरी का मामला जी, अपने सड़क वाले नहीं जो बनाते सड़क हाईवे जो मंडिया कटरा, इस काम करते बंदे सरीए का, वो इन्हें जो उ फोरमैन इंजीनियर है जोड़े, उन्होंने साढ़े को कंप्लेट की भी साडा चोरी सरिया होया। अं नाका लाया जो दसा कि बंद ने कार मुक ने सू, तो अं इन्हों नाका ला के पढ़ने की कोशिश की। उत्थे ये 2 मोटरसाइकिल तैयार है, 4 जन, एक भजन में सफल हो गया, 3 फड़ लें मौके पर। परमजीत है, परमजीत के नाल 2 साथी है, तो चौथा भज गया, उसे रेड रूड किया, अज घर नहीं मिले, वह डैडी अगर मिले तो कहते भी अं पेश करा देंगे। इन्हों अज पेश करके तो बाकी कार्रवाई चली जाती है। हाँ जी, उन्होंने कंप्लेट दी सू, वो आन डाया दरखास्त देने सू, अं मुद्दा से बहर, वो कहते 3-4 क्विंटल का है जी। ये चोरी का मामला जी, अपने सड़क वाले नहीं जो बनाते सड़क हाईवे जो मंडिया कटरा, इस काम करते बंदे सरीए का, वो इन्हें जो उ फोरमैन इंजीनियर है जोड़े, उन्होंने साढ़े को कंप्लेट की भी साडा चोरी सरिया होया। अं नाका लाया जो दसा कि बंद ने कार मुक ने सू, तो अं इन्हों नाका ला के पढ़ने की कोशिश की। उत्थे ये 2 मोटरसाइकिल तैयार है, 4 जन, एक भजन में सफल हो गया, 3 फड़ लें मौके पर। परमजीत है, परमजीत के नाल 2 साथी है, तो चौथा भज गया, उसे रेड रूड किया, अज घर नहीं मिले, वह डैडी अगर मिले तो कहते भी अं पेश करा देंगे। इन्हों अज पेश करके तो बाकी कार्रवाई चली जाती है। हाँ जी, उन्होंने कंप्लेट दी सू, वो आन डाया दरखास्त देने सू, अं मुद्दा से बहर, वो कहते 3-4 क्विंटल का है जी। ये चोरी का मामला जी, अपने सड़क वाले नहीं जो बनाते सड़क हाईवे जो मंडिया कटरा, इस काम करते बंदे सरीए का, वो इन्हें जो उ फोरमैन इंजीनियर है जोड़े, उन्होंने साढ़े को कंप्लेट की भी साडा चोरी सरिया होया। अं नाका लाया जो दसा कि बंद ने कार मुक ने सू, तो अं इन्हों नाका ला के पढ़ने की कोशिश की। उत्थे ये 2 मोटरसाइकिल तैयार है, 4 जन, एक भजन में सफल हो गया, 3 फड़ लें मौके पर। परमजीत है, परमजीत के नाल 2 साथी है, तो चौथा भज गया, उसे रेड रूड किया, अज घर नहीं मिले, वह डैडी अगर मिले तो कहते भी अं पेश करा देंगे। इन्हों अज पेश करके तो बाकी कार्रवाई चली जाती है। हाँ जी, उन्होंने कंप्लेट दी सू,
ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾਂ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। नकोतर पुलिस ने दड़ा सट्टा लगाने के काम करने वाले दो आरोपियों को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी नकोदर सुखपाल सिंह ने बताया कि नकोदर के बस स्टैंड के नज़दीक दुकान में दड़ा सट्टे का काम करने वाले दो आरोपियों को काबू किया गया है, जिनके पास से 20,610 रुपये की नकदी, एक मोबाइल के अलावा दड़ा सट्टा लगाने के सामान बरामद किया गया है। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। तीन चार दिन तो मेरे ध्यान से काफी जड़े है, बहुत बार व्यक्तियों ने लिया जरा बस स्टैंड के उपर दड़ा सट्टा जो जोर शोर में चल रहा। कल जरा असी उ दड़े सट्टे तो उत्तर रेड किया उ दो एक नवदीप सिंह बावा और सतनाम चंद जोड़े है वो तो दो बंदे असी जो अरैसट किए हैं, जिद संबंध में 420 गैम्बलिंग एक्ट के अधीन जी है उन्होंने अगेंस्ट जो केस रजिस्टर किया गया और करीब उन्होंने को 21,000 रुपये के करीब जो है राशि जी बरामद की गई है। सर जो बस स्टैंड के उ स्टाल चला रहे हैं उन्होंने को जी शहर के कुछ प्रधान है वह हफ्ता भी लेंगे जी नहीं ए बारे यहोजी जो एस एच हम तक कोई साढ़े नहीं आया बट फिर भी असं उन्होंने जोड़ा वै सख्ती बारे कोशिश करा बल्कि मैं बिल्कुल एक श्योरिटी दिना वै कि यह दड़ा सट्टा किसी भी कीमत दे जरा नहीं चलन दिता जाएगा। धन्यवाद। हाँ क्योंकि मेन रीजन जोड़ा है जो दड़ा सट्टा है ये सारी सोसाइटी में बहुत जोड़ा है अफेक्ट करता है। रीजन बिंग कि जो कोई रिक्शे वाला या कोई दिहाड़ीदार बंदा है वो 500 रुपया कमा सारी दिहाड़ी का और 500 के 400 रुपया जोड़ा है वह 350-450 रुपया जोड़ा वो इन लाटरिया जोड़ा दड़े सट्टे हार के चला जाता है और कारण हों घरेलू कलेष फिर उस तो बाद यो चीज़ जी है बंदे जोड़े दूजा चोरी या कोई होर जी है खूह वगैरह करते हैं। सो ये जो एक है सोसायटी को अफेक्ट करने वाला जो एक हैगा है मेरी समझ मुताबक सो दड़ा सट्टा जोड़ा है किसी भी किस्म का जो बिल्कुल भी किसी भी हाल टॉलरेट नहीं किया जाएगा और ये बिल्कुल थोड़े माध्यम राही मैं दसना चाहवागा कि ये मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लीयर है कि कोई अपने मन में यह ख्याल ना रखे कि कोई सिफारिश पाओगे या किसी तरीके का दड़ा सट्टा चला लेगा। सर जेकर गल करिए कुछ दिन पहला जड़िया लाटरी स्टाल दुकाना बंद होंगे फिर दोबारा शुरू हो जाए उन्होंने कोई कार्रवाई की जाती है? देखो जी मेरे टाइम तो इन मेरा फस्ट है तो मैं थोड़ी छोटी दिना वै कि जिनी की देर मैं थोड़ी सेवा कराँगा उन्नी देर कोई लॉटरी की दुकान तक खुली नहीं मिलेगी। प्लस ये सिर्फ लॉटरी नहीं मैंने ये भी है कि कई लोग घर जरा सट्टा पर्ची ला रहे हैं तो वह भी इस गल तो बाज आ जाए क्योंकि असं इन्होंने को जो पता करके जो मेन खाईवाल है जो जलंधर लुधियाना या होर बैठे है उन्होंने भी असं नॉमीनेट करके उन्होंने भी पिछले नामजद करके उन्होंने लियावे। सो जे हमने तो दो असी दर्ज किए हैं जो बाकी है उन्होंने भी मेरी वार्निंग है कि वो ये गल अपनी दिमाग चो कढ़ देने घर बैठे ला रहे हैं तो उत्थे बच जाएंगे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम शहर के निवासियों को 1,25,00,000 रुपयों की लागत से तैयार की गई रिटेल सब्जी मंडी को समर्पित करते हुए कहा कि ये रिटेल सब्जी मंडी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और सिर्फ 8 महीनों में इसे पूरा करने के पहले पड़ाव में सुनाम शहर के सैकड़ों रेहड़ी और फड़ी वालों को राहत मिली है जो पिछले कई दशकों से माता मोदी चौक से शिव निकेतन चौक तक सड़क के किनारे कई घंटों तक खड़े होकर अपना रोजगार चलाने को मजबूर थे। अब इन फड़ी और रेहड़ी वालों को आखिरी मंजिल मिल गई है। पुरानी सब्जी मंडी में लोगों और फड़ी रेहड़ी वालों को पेश आ रही मुश्किलों की कभी सार नहीं ली गई जिस कारण ये जगह कई वर्ष वीरान और उजाड़ बनी रही, लेकिन अब श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस मंडी को शानदार रिटेल सब्जी मंडी में तब्दील करके यहाँ खरीदारी करने के लिए आने वाले लोगों की सुविधा के लिए विशाल पार्किंग, शौचालय आदि का भी प्रबंध किया गया है और जल्द ही फड़ों पर शेड डालने का काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री अमन अरोड़ा ने 116 रेहड़ी फड़ी वालों को अलॉटमेंट पत्र भी बांटे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਤੇ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ
ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਮੋਤੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਰੇਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੋ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਾਇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਅੰਦਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਡੰਗਰ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜੀ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਰਿੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਖਰੁੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ, ਰੇੜੀ ਮੂਹਰੇ ਰੇੜੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਪੈਦਲ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਰੇੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ, ਫਲ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਿਵ ਨਿਕੇਤਨ ਚੌਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਮੋਦੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਦ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਲੋਟਮੈਂਟਲ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਔਰ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਹੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀ ਐੱਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈੱਲ ਪਲੈਨਡ ਮਲਟੀਪ੍ਰੋਂਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਲਾਂਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਚੱਜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। अमृतसर के TMA कॉन्फ्रेंस हॉल में PhD चैम्बर के सहयोग से छोटे व्यवसाय, ऋण प्रबंधन, लिस्टिंग और रेटिंग के लिए वित्तीय सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 75 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के राजीव खन्ना ने कहा कि ये कार्यक्रम बैंकिंग और वित्तीय सेवा उप समिति पंजाब स्टेट चैप्टर ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर अपनी एक्सलीरेट MSME सीरीज 2023 के तहत छोटे व्यवसायों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण पर तीसरा इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला कि NSE के कार्यक्रम और प्लेटफॉर्म छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी तक पहुंचने, दक्षता हासिल करने, निवेशक शिक्षा प्राप्त करने और अनुसंधान सहायता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ व्यवसायों का विस्तार करने, नौकरी की संभावनाएँ पैदा करने और देश की आर्थिक प्रगति में भूमिका निभाने में सक्षम बताते हैं। उन्होंने कहा कि MSME को व्यवसायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुरूप वित्तीय समाधान विकसित करने के लिए वित्तीय संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। राजीव खन्ना, ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। आज जैसी एक सेमिनार और बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन किया है ऑन
the subject of financial empowerment for the small business. Small business nu eh jehdi financial assistance di bahut zyada zarurat hai. Asi vadde ha companyan di vadde ha unna da asi bada koi discuss karde rehne ha. Asli zarurat jehdi hai oh hai small business aur small business nu promote karan waste ehdi requirement hai hai. ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇਟ ਵਾਸ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵਰ ਐਕਸਲੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀਓਂ ਆਏ ਸੀ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਐਨ ਐੱਸ ਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਔਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਨਸਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਹਿਦ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਸਬਵੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ SBI ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਅਗਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਕੰਪੀਟ ਵਿਦ ਦਾ ਵਰਲਡ स्वच्छ और उच्च स्तरीय खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाए जाने संबंधी जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत डॉक्टर लखबीर सिंह ने सावन माह के नवरात्रों के दौरान माता चिंतपुर्णी रोड पर लगाए गए लंगरों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लंगर इंचार्जों को उच्च स्तरीय भोजन बनाने और श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ एवं पौष्टिक खाने योग्य वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष सोडी, रामलुभाया, नरेश कुमार और मीडिया विंग से गुरविंदर सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर लखबीर सिंह ने बताया कि बरसातों के दिनों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी होती है, इसलिए उन्होंने लंगर संचालकों को बताया कि भोजन बनाने वाली जगहें बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, लंगर को ढककर रखना चाहिए, पीने वाले पानी में क्लोरीन डालनी बहुत जरूरी है, जो कि स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा लंगरों में जाकर रोज बांटी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बार बार एक तेल में चीजों को नहीं तलना चाहिए और बर्तनों को भी अच्छी तरह धोकर स्वच्छ जगह पर रखना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग लंगर संचालकों के साथ है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो विभाग की ओर से टीमों को की ड्यूटी लगा दी गई है। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। जिस तरह यात्री जो धार्मिक श्रद्धालु आ माता चिंतपुर्णी जी के जो चाले पे आ नवरात्रियां ते लंगर देखो तुसी किस तरह श्रद्धा ना लोग आ रहे हैं। असी जिला सेहत अफसर मेरी फूड सेफ्टी टीम जी इतने भी विजिट किए अलग अलग लंगर से भी जाके देखते हैं। असी बकायदगी नाले चाहते भी एक तो फ्लड का वैसे ही हड़ा का मौसम है, बीमारियां पानी तो या रोकियो पानी ना फैलने वाली बहुत फैल रही हैं, खास करके जिदा क्लोरीन दियां गोलियां दित्तियां जा रही पानी च पाउणियां, क्लोरीनेटेड वाटर देना, नाल नाल साफ सफाई भी प्रॉपर ध्यान रखी जाए ते लंगर का भी देखा गया किदा जाके चैक किया गया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी सेवा श्रद्धा नाल कर रहे हैं। असी ये कहने श्रद्धा के नाल नाल जिहड़ा लोगों नूं जिहड़ा आपां इधर भी क्वालिटी फूड दा भी ध्यान देना भी जो लंगर आ क्वालिटी का देना आपां, कोई जे स्मैल ना आउंदी होवे कोई एक्सपायरी ना होवे मौसम नूं देख रहा तो असी गांव भी जिहड़े लंगर ने चलने आ होर भी लगातार नाल चैकिंग करते रहांगे जाते रहांगे ते जिथे जिथे लोड़ होई उत्थे एडवाइस भी देवांगे जरूरी ते तां कि जिहड़ा लोग जिहड़े श्रद्धालु आउंदे भगत आउंदे आ माता चिंतपुर्णी जी दे ओह तंदुरुस्त रहण खा के लंगर और रहे जांदे भजन गाउंदे आउण भजन गाउंदे वापस आउण।
संगरूर के लोंगोवाल में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की बरसी मनाई की, जिसमें पंजाब की सभी पार्टियां की ओर से अलग अलग समागम किए गए। वहीं शिरोमणि अकाली दल से अलग हुए सुखदेव सिंह ढींडसा की ओर से लोंगोवाल में संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की याद में एक समागम रखा गया, जिसमें केंद्र की ओर से दो बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी खास तौर पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वे यहां पर संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा का गठबंधन सिर्फ और सिर्फ शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ ही रहेगा और किसी के साथ नहीं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मैं सब तो पहले तो सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी जो शिरोमणि अकाली दल संयुक्त अध्यक्ष ने उन्होंने धन्यवाद करना चाहना, उन्होंने बधाई भी देना चाहना कि अज उन्होंने संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जो 38 साल पहले उन्होंने वास्ते एक बहुत चंगा प्रोग्राम किया। देखिए कई जो तुसी इत्थे स्पीचेस सुनिया कि पंजाब दे कोई ऐसे मुद्दे हैगे जिन्हों का हल ढूंढना चाहिए, तो वो तो मैं पूरी उम्मीद है कि साढ़े प्रधानमंत्री जी ने जो पहले सिख कौम वास्ते निर्णय किए ने, चाहे वह करतारपुर लहंगे की गल होए, बाकी गुरद्वारा साहब विच लंगर ते GST ते कई यो जे सवाल हैगे उन्होंने वो किया, तो अगे भी आने वाले समय च भी करनगे। पर सब तो वड्डी गल ये है कि सानू जिस रामूवालिया जी कह रहे थे सानू इकट्ठा होके काम करना चाहिए, और ये जिहड़े पंजाब दे इस वक्त स्थिति है ये कोई एक परिवार या कोई लोग ये समझ के चलन कि उन पंजाब दी सारी प्रगति दा रामवाली जी आओ ना, मैं थोड़ी तारीफ कर रहा हाँ, मेरा बड़ा पुराना संबंध प्यार है सरदार बलवंत सिंह जी नाल, ते ये समय ये हैगा कि पंजाब एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट ही नहीं, एक स्ट्रेटेजिक स्टेट ही नहीं, पर बहुत जरूरी है कि असी सारे कट्ठे हो के इत्थे जो आज कार्यक्रम होया, जो लोग बोले ने वो जड़ी उन्होंने फीलिंग्स एक्सप्रेस कीतिया ने, ते आन वाले समय केंद्र सरकार नाल मिलकर जो भी पंजाब वास्ते हो सकता है, उन्हें एक कोई पॉलिटिकल राजनीतिक मौका नहीं है। सरदार साहब ने कहा कि SGPC चुनाव होने चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू एकदम होने चाहिए, जल्दी होने चाहिए, ठीक है। मैं तो देख रहा हूं थोड़े को भी ये करा दियो, सब लंबा समा हो गया चुनाव वाली जी गल, आज जिवें रामू वाली ने मुद्दा चुके है चुनाव वाले बारे भी चुनाव नहीं भाई रामू वाली जी ना, तो मुद्दा ये तो हो चुका है, मेरी तो रामू वाली जी का प्यार पीछे 25 साल रहा यार, तो इसलिए इन जगह कि सारी जड़ी अज ढींडसा साहब ने फंक्शन किया, केंद्रीय सरकार वालों असी इत्थे आया, एक इहदे वास्ते मैं ढींडसा साहब का शुक्र ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, रामू वाले जी सारे जड़े साढ़े अज बोले ने भाई भैन, मैं चाहता सीगा रहो पर मैनू वापस पहुँचना है, वो तो मेरा पुराना मेरा खुशी था क्योंकि ग्रंथ साहब बाकी पोलिटिकल टेंट लगवा लो उत्थे मैं तुहाडे नाल बैठ के नहीं, अज असीं जिस मौके ते पहुंचे हाँ मैं समझदा कोई राजनीतिक नहीं हैगा, बस मैं दो ही गल्लां करना चाहुंदा हां, बहुत वड्डी शहादत सी लोंगोवाल साहब दी, उन्हां नूं नमन करदे हां, केंद्र सरकार वल्लों सरदार हरदीप सिंह पुरी सानूं भेजा गया सीगा, और जिहड़ी मैं तुहाडे सवाल उहदा जवाब फिर तो दे दिंदा, अलायंस केवल और केवल संयुक्त अकाली दल नाल ही रहेगा। SGPC चोणां बारे की कहोगे जी? SGPC चोणां जिहड़ियां उह भगवंत मान जी दे हत्थ आ, केंद्र सरकार दा हुण कोई रोल नहीं रहा, केंद्र सरकार वल्लों जिहड़ा ऑफिसर नोमीनेट करना सी कर दित्ता गया है, भगवंत मान जी ने हुण इलैक्शन दीआं वोटर लिस्ट बणा के इलैक्शनां करवाउणियां। संत निरंकारी सत्संग भवन जंडियाला गुरु में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर रक्तदान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO विशेष रूप से शामिल हुए।
इस दौरान उन्होंने भी खून दान किया। इस मौके पर मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि संत निरंकारी मिशन की ओर से पिछले लंबे समय से रक्तदान कैंप लगाए जा रहे हैं और मानवता की सेवा में बहुमूल्य योगदान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सबको खूनदान करना चाहिए। इस अवसर पर निरंकारी मिशन के अलग अलग सेवादारों ने बताया कि वे बड़े लंबे समय से ये रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और अब तक 11,58,000 यूनिट के करीब रक्तदान कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान करने पर संत निरंकारी मिशन का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके गुरु ने संदेश दिया है कि खून नसों में बहना चाहिए ना कि नालियों में। उन्होंने कहा कि हम सबको अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी के तहत सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर परिसर से प्रभात फेरी बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई, जो इलाके की परिक्रमा कर वापिस मंदिर परिसर में आकर आरती के साथ सम्पन्न हुई। इस अवसर पर इलाका वासियों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। आज जंडियाला गुरु दे विच संत निरंकारी मिशन जिहड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन उन्हां द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और बड़े लंबे समय तो संत निरंकारी मिशन जड़ा माता सुदक्षा जी महाराज के रहनमाई जड़ा है ये चल रहा है और मानवता के जिन्ने इंसानियत के भलाई के काम ने उन्होंने काफ़ी वडमुला योगदान पाया जा रहा है। साढ़े सरदार अवतार सिंह जी जड़े इतों के लीड कर रहे हैं इतने। सो मैं ये दसना चाहना कि अज तक इस मिशन ने मतलब ब्लड डोनेशन के बहुत मार के मारे है, बहुत अगे तक काम किया। कोई 11,58,000 यूनिट के करीब अज तक ब्लड डोनेशन जी इन द्वारा की जा चुकी है। ब्लड डोनेशन वैसे भी मैं समझदा कि एक बहुत वधिया उत्तम काम आ जिस चीज़ नाल किसी की जड़ी जान जी बचाई जा सकती है। जो कई बार बहुत एमरजेंसी होंगी आ खास तौर पर एक्सीडेंटल केसिस के जितों एक ब्लड ही जड़ा वह किसी को एक लाइफ जी प्रदान कर सकता है। सो मैं धन्यवादी हाँ संत निरंकारी मिशन जिन्होंने ये वड्डा उपराला जंडियाला गुरु के किया है साढ़े बाबा अवतार सिंह जी और मैं आम लोगों भी यो ही प्रेरित करूँगा कि जिन्हें भी सेहतमंद साडा यूथ आ साडे लोग ने उन्होंने ब्लड डोनेशन के बढ़ चढ़ के अगे आना चाहिए। नहीं कोई नहीं ब्लड डोनेशन नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। जे कही आप कोई फर्क पैंदा बहुत बहुत थोड़े समय के सर्कल दे विच ब्लड जड़ा है वह फिर सर्कुलेट हो के पूरा हो जाता है बॉडी दे विच कोई कमजोरी नहीं आती कोई किसी तरह का इहदे नाल जे आप कोई गलत धारनावां हो जांदियां ने कि ब्लड दे नाल वीकनेस होएगी आ होएगा इस तरह की कोई गल नहीं आ। डॉक्टर साहब खड़े ने इन्हां नूं पता है साहब कि किसी तरह की कोई जिहड़ी आ ना तो कोई कमजोरी आती है ना कोई शरीर का नुकसान होंगे रादर सगों आप वधिया फील करते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिन्हें भी इंसानियत के मानवता के काम ने उस आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीए मनुख की सेवा करनी इंसानियत की सेवा करनी मेरा ख्याल सब तो वड्डा धर्म जिहड़ा साडा वो इंसानियत की सेवा ही है। सो मैं सारे ही अपने भैन भरावां नूं बेनती करता है कि आओ आप इस नोबल कॉज के लिए ब्लड डोनेशन के लिए जिहड़ा आ वो बढ़ चढ़ के अगे आईए। हुण तक 200 दे तकरीबन लोगों ने डोनेट कर दिता है और आस है कि इस तो भी वध जिवें कि आप जो देख रहे हो स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है और शाम तक 400 तो भी वध जो लोग हैं डोनेट कर सकते हैं। ये कैंप का असली जो हिस्ट्री के बारे में अगर मैं गल करा तो 24 अप्रैल 1980 जो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपना नश्वर शरीर त्यागया तो उस तो बाद 27 अप्रैल 1980
बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नूं जो सतगुरु दे रूप विच प्रगट कीता गया तां उस टाइम ते इक सारयां दे विच इक रोस दा माहौल भी सी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दे जो प्रवचन जो सारे ही दिलां नूं ठंडा ठार करन वाले कि ब्लड शुड रन्स इन द वेन्स नॉट इन द ब्रेन्स कि जो लहू है जो खून है वह नालियाँ विच नहीं नाड़ियाँ दे विच वहना चाहिए है तो उही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के मार्ग दर्शन सदका उदों तो ही यह अज तक यह ब्लड डोनेशन कैंप हर साल जगह जगह पर संदरकारी मिशन के हुक्म अनुसार और अज के साडे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के मार्ग दर्शन अनुसार लगाया जा रहा है। ये ब्लड इस तो बाद जो कि अपने जो नीडी पीपल हैं जो लोड़वंद हैं और जो जिमें कि सैनिका हैं उन्होंने तक पहुँचाया जाता है और कई जिमें कि अजकल असं देखते ही हाँ कि एक डेंगू का और काफ़ी फीवर जो हैं फैल रहे हैं और ये लोगों के प्लाज्मा की घाट भी हो रही है और जो भी लोग इस बहुत ही लोड़वंद हैं उन्होंने तक ये ब्लड जो है पहुँचाया जाता है। नहीं अज तो लगभग 27 साल पहला मेरे दादा जी लोड़ पई थी मैं उदों का दे रहा उस तो बाद अज 27 साल हो गए लगातार खूनदान करद्या लेकिन कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई सा एक दो वारी दे विचो साल दे विच दो वारी भी दे दिता ही मतलब जे किसी नूं लोड़ पई आफ्टर 6 मंथ देने तो बाद फिर भी दिता वा अदरवाइज साल च एक वारी जरूर ही आ। खून देन तो डरन की कोई जरूरत नहीं हैगी ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਅਡ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਖੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਆ ਜੋ ਸੰਘਣਾਈ ਆ ਚਿਕਨਾਹਟ ਆ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਜਾਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸੈੱਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੂਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਖੂਨਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ खून नाड़ियां च वगना चाहिए बल्कि बाहर भी डुलना चाहिए कई एक्सीडेंट होते कुछ होता ब्लड जो डोनेट ब्लड दे के उन्होंने जाना बचाई जा सकती है। निरंकारी मिशन शुरू तो ही बहुत अरसे तो ही ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹ ਗਿੱਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਬਲ ਆ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਬਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮਤਬਲ ਧਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਗਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਆਏਗੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਅ ਨਾਲ
ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਬਲੱਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਨਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਵੱਲ ਨਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਇਹ ਨਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। अमृतसर के किला भांगिया में श्रीवास्तव परिवार वेलफेयर सोसाइटी की ओर से माता चिंतपूर्णी जी के मेलों के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा एवं झंडा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सोसाइटी की ओर से आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं आई श्रीवास्तव परिवार वेलफेयर सोसायटी का सदस्य वहाँ अज का जो प्रोग्राम है आई श्रीवास्तव परिवार वालों हर साल वार्षिक झंडा एवं शोभा यात्रा जी हर साल माता चिंतपूर्णी के मेले के उपलक्ष्य में निकाली जाती है वो जो 70वां वार्षिक झंडा जो निकाले जाता है वह हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम के नाल मनाया जा रहा जिहड़ा कि वख वख बाजारां दे विचों होंदा होया किला पंगिया के समाप्त होएगा। तो ये नाल ही 24 तरीक वाले दिन माँ चिंतपूर्णी का जिस दिन मेला होंदा वै उस दिन भी माता की जी चौंकी है वह इतने 8 बजे तो लैके रात माई महामाई की इच्छा तक चलेगी और जिरी जिस अमृतसर की मशहूर जी भजन गायक पार्टी है कुमार मुकेश जी वह महामाई का गुणगान करेंगे। ये नाल के नाल पक्या बेटा श्री विजय कुमार जी भी महामाई का गुणगान करेंगे। तो ये जे बाजारों के जी सा शोभा यात्रा जा रही है उन्हों का मैं शहर वासियों को अपील करा कि वह सारी शोभा यात्रा का बड़े धूमधाम के नाल स्वागत कर। जय माता। महंत ऊर्जा सागर श्री वास्तव परिवार वालों सबनों माई चिंतपूर्णी जी के 71वें झंडे की शोभा यात्रा के शामिल होने की सबनों लख लख बधाई दें और आने वाले परिवार को अही यह संदेश दें कि जिस तरह अज 71वें झंडे की अभी शोभा यात्रा करने आने वाली पीढ़ी ने भी इस तरह ही साढ़े नाल मतलब कि संयोग दे और बच्चों अही दस दवाने कि माई के चरणों के नाल सारे जुड़े रहो तो हर साल साढ़े नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के संयोग दौ। जय माता दी। यह सभा श्री वास्तव परिवार वालों माता चिंतपूर्णी जी ने मेले के उपलक्ष्य में 71वां वार्षिक झंडा जिहड़ा कि अज तो साडे वड्डे पीढ़ियां तो चले आ रहे हैं 71 साल हो गए हैं झंडे नूं कढ़दे आ सानूं 71 दे झंडे की अज शोभा यात्रा कढ़ रहे हैं। यह झंडा जिहड़ा अं हिमाचल प्रदेश 26 तरीक नूं लै के जावांगे उत्थे माई के दरबार च हिमाचल चढ़ावांगे ते मारे माई की खुशियां प्राप्त करांगे। अज 71वां झंडा पासे श्री सभा वालों निकालिया जा रहा बाजार प्रभंजिया चो हर साल की तरह इतने शोभा यात्रा निकाली जाती है उस माता चिंतपूर्णी मंदिर कल ला के उतो वापस आया जाता है। सभा वालों हर साल की तरह अज भी बड़ी धूमधाम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इतने अज अभी अज हाजरी भरन आए हैं बाकी इन्हों का बहुत बहुत दिल तह दिल धन्यवाद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान जिसके 32वें दिन अनंत विभूषित रामानंद दास अयोध्या वालों ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया, जिसके पश्चात झूला उत्सव के तहत भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक अशोक शर्मा एवं कुमार आशु शर्मा ने प्रभु महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे एक बार समर्पण भावना से दोनों हाथ उठा दें, गोविंद का आह्वान हो जाएगा, रात का स्वर्ग हो जाएगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे उपलक्ष्य में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण में श्रृंखलाबद्ध माता की चौकियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आयोजित माता की चौकी में चंद्र एंड पार्टी जालंधर वालों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस चौकी की शुरुआत भजन गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर की। इस मौके पर श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, उपाध्यक्ष ललित गुप्ता, सीए वीएम अरोड़ा, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, भूषण कोहली, पवन मेहता सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैया जी असी नौकर तेरे, मैया जी असी नौकर तेरे,
भैया जी असी नौकर तेरे, भैया जी असी नौकर तेरे, भैया जी असी नौकर तेरे, भैया जी असी नौकर तेरे, भैया जी असी नौकर तेरे, भैया जी असी नौकर तेरे। तेरे
हर वेले हर थाते गुण तेरे गावा मैं, 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 सेवा दी मंजूरी बस तेतो एहो चावा मैं, सेवा दी मंजूरी बस तेतो एहो चावा मैं, जोश ते कृपा कर दो चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, करेंगी किन्नी देर अड़िया, करेंगी किन्नी देर अड़िया, करेंगी किन्नी देर अड़िया, करेंगी किन्नी देर अड़िया, चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, हो चंगा लगदा नी दूर दूर रहना, पल ना बुलाया पर मैनू तू नहीं ओ दर ते बुलाया पर मैनू तू नहीं ओ दर ते बुलाया पर मैनू तू नहीं ओ दर ते बुलाया फुल के भी मैं ताईक पल ना बुलाया पर मैनू तू नहीं ओ उधर ते बुलाया है पर मैनू को नहीं ओ दर ते बुलाया है पर मैनू तो नहीं ओ दर ते बुलाया है नी मैंने होर विछोड़ा तेरा सेना नी मैंने होर विछोड़ा तेरा सेना करेगी किन्नी देर अड़िया करेगी किन्नी देर अड़िया करेगी किन्नी देर अड़िया करेंगी किन्नी देर अड़िया छट मैनू कल्ले आनू गुफा भी ते आ गई छट मैनू कल्ले आनू गुफा भी ते आ गई छट मैनू कल्ले आनू गुफा भी ते आ गई नी मैंने होर विछोड़ा तेरा थैना नी मैंने होर विछोड़ा तेरा थैना करेंगे किन्नी देर अड़िया करेंगे किन्नी देर अड़िया किन्नी देर अड़िया करेगी किन्नी देर अड़िया चंगा लगदा नी दूर दूर रहना करेगी किन्नी देर अड़िया करेगी किन्नी देर अड़िया करेगी किन्नी देर अड़िया करेगी किन्नी देर अड़िया थक हार मलियां दली जामाए तेरिया तेरे बिना सुनिया ना किसे बिना मेरिया तेरे बिना सुनिया ना किसे बिना मेरिया
तेरे भेद सोनिया दा किसे ने दबेरिया निमाए मन लेने माने आंदा कहना निमाए मन लेने माने आंदा कहना करेंगे किनी तेरे अड़िया करेंगे किनी तेरे अड़िया करेंगे किनी तेरे अड़िया करेंगे किनी तेरे अड़िया ओ बच्चे आंदे बिना दाती माँ भी अधूरी है लालां दा होना दाती माँ लई जरूरी है लालां दा होना दाती माँ लई जरूरी है लालां दा होना दाती माँ लई जरूरी है ओ बच्चियां दे बिना दाती माँ भी अधूरी है लालां दा होना दाती माँ लई जरूरी लाला दा होना दाती माँ लई जरूरी लाला दा होना दाती माँ लई जरूरी ओ बिना बच्चियां दे माँ किस कहना ओ बिना बच्चियां दे माँ किस कहना करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां ओ चंगा लगदा नी दूर दूर रहना करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां करेंगी किन्नी तेरे अड़ियां सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके 32वें दिन सुबह पहले रामायण जी के पाठ का उच्चारण और सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात भजन संकीर्तन मंडली ने मनमोहक भजनों का गुणगान एवं श्री हरि नाम संकीर्तन कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी और स्वामी अजय आनंद महाराज ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने बताया कि गौ माता का अस्तित्व वर्तमान में खतरे में पड़ता जा रहा है, हम सब मिलकर अगर गौ तस्करी को बंद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें कई विपदाओं से गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर मालिनी की कृपा करुणा से सिद्ध पीठ देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी के परम सहयोग से माँ के लाडले श्री शीतल बिज जी, श्री राजेश बिज जी, ललित गुप्ता जी, श्री परमिंदर बहल जी और सभी कमेटी के सेवकों के सहयोग से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भगवान की आराधना का जग बहुत ही पवित्र उद्देश्य को लेकर के 19 जुलाई से 27 अगस्त तक हो रहा है। नित्य 24 घंटे अखंड श्री हरि नाम संकीर्तन, नानक नाम जहाज है चढ़े सुख परिवार, कल जो केवल नाम धारा सुमर सुमर नर उतरे पार। हमारे देश व विश्व का मंगल हो, देश व विश्व में व्यापत आसरी तामसी शक्तियों का नाश हो, जन जन के हृदय में भगवत प्रीति हो, सर्वदेवमयी गौ माता की सेवा और रक्षा हो, इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर के गौ सेवा मिशन के द्वारा महापुरुषों कृपा से ये अनुष्ठान हो रहा है। मैं सभी जलंधर महानगर वासियों को व दैनिक सवेरा से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को निवेदन करता हूँ कि आप इस पवित्र अनुष्ठान में सहभागी बने, आ करके सत्संग कीर्तन का लाभ लें। इस समय अयोध्या धाम से आए हुए पूज्य जगत गुरु रामानंद दास महाराज जी बहुत ही सुंदर राम कथा का गान श्रवण करा रहे हैं। साई 5 बजे से 8 बजे तक आप आकर के कथा श्रवण करें। 8 बजे के बाद माँ भगवती जगदम्बा त्रिपुर मालिनी के
दर्शन व उनके मंदिर प्रांगण की हरि नाम सिंह कीर्तन के समय परिक्रमा होती है और सुबह 6 बजे भी माता के मंदिर की परिक्रमा होती है। सभी जलंधर नगर वासियों को निवेदन है कि इस अनुष्ठान में आई भगवान की आराधना का लाभ प्राप्त करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं पुनः फिर देवी तालाब मंदिर कमेटी के सभी से बहुत बहुत शुभ मनोकामना होता हूँ, जिनके सत प्रयास से भगवान की आराधना का जो बहुत बड़ा यज्ञ इस समय हो रहा है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज जगत जननी जगदम्बा के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए और जो राष्ट्र में इस समय असुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है, उनकी चिंता को लेकर परम पूज्य स्वामी जी ने ये आयोजन 40 दिवसीय गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जयंती 19 जुलाई से लेकर 27 अगस्त तक का आयोजन, उसके पीछे का भाव लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि जो आज राष्ट्र के ऊपर असुरी शक्तियों का प्रभाव है वो कैसे कम, आराधना का बल मजबूत हो। आराधना का बल मजबूत करने के लिए 24 घंटे अखंड हरि नाम संकीर्तन का जाप हो रहा है और विप्रो द्वारा जो अयोध्या जी से, चित्रकूट से, बनारस से, वृंदावन से, सभी जगह से पधारे हैं, उसमें 108 हनुमान चालीसे के सामूहिक पाठ होते हैं और सुंदरकांड का पाठ होता है। नित्य ये सुबह के समय में प्रभात फेरी होती है मंदिर परिसर की और शाम को आरती के बाद फिर परिक्रमा होती है, दर्शन करके लाभ लेती है। इस समय कल से जगत गुरु रामानंद महाराज जी श्री राम कथा कह रहे हैं, जिसका समय है 5 बजे से 8 बजे तक और 108 रामायणों का पाठ चल रहा है जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक नित्य क्रम चलता है। आप लोग सभी इसमें सहयोग लें क्योंकि आज जो चिंता स्वामी जी की है वो ये है कि जिस घर से रोटी आ रही है क्या उस घर की रोटी आज सेफ है, विचार करने वाली बात है। संतों को तो भोजन कहीं भी मिल जाएगा पर उस परिवार के ऊपर जो आज संकट है, जो ये हमारे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, संस्कारों को बचाने के लिए, गोवंश को बचाने के लिए ये अंथक प्रयास है। इसी प्रयास में हम सब लोग मिलकर सहयोग लें और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग इस यज्ञ में भाग लें। श्री राम, जय राम, जय जय राम। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की ओर से शहीद संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की बरसी के मौके पर संगरूर की अनाज मंडी में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से आयोजित खूनदान कैंप में विशेष तौर पर शिरकत की और संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की तस्वीर पर श्रद्धा के फूल भेंट किए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा गुरुद्वारा कैबोवाल साहिब लौंगोवाल में भी माथा टेक कर संत जी की शहादत को नमन किया गया। अनाज मंडी लौंगोवाल में संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की शहादत को समर्पित खूनदान कैंप में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि संत हरचंद सिंह लौंगोवाल ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान वार दी और पंजाब सरकार की ओर से शहीद संत हरचंद सिंह लौंगोवाल की शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है और संत की बरसी के मौके पर राजनीतिक दुश्मनबाजी और जाली शोहरतों से दूर होकर इस खूनदान कैंप का आयोजन किया गया है ताकि अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों की कीमती जानों को बचाने में योगदान डाला जा सके। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो, मैं समझदा कि अमर श्री संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल वह किसी एक धर्म मज़हब फिरके दे नहीं सीगे, उस समुचे समाज के सीगे, समुचे पंजाब के सी कौम के महान शहीद सीगे, हिंदू सिख एकता दे वह बहुत बड़े मुदई सीगे जिदे वास्ते उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर तो भी गुरेज नहीं किया है। सो एहो जिहे महान शहीदां, एहो जिहे महान लोगों दियाँ ही बरसियां ने जिहड़ियां वह मनाईया जांदियां ने, हर साल की तरह अज भी बड़े धूमधाम के नाल लौंगोवाल के
उन्हां दी बरसी जिहड़ी मनाई जा रही है, जिथे असी सरकार वालों मान साहब दे दी उन्हां दे दिशा निर्देशों तहत एक बहुत वड्डा मैडिक जो ब्लड डोनेशन कैंप है वह लगाया जा रहा है। इस तो पहला कैंबल साहब गुरुद्वारा साहब उत्थे मत्था टेकया है, तो इस ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए ताकि जिन्हें लोड़वंद मरीजों को लोगों को खून की लोड़ है उन्हां दी जिंदगी बचाई जा सके। तो मैं समझता कि यही सिक्ख्या दे उपर संत लौंगवाल वो चलते रहे हैं। सरकार ने मरना चाह रहा लोगों का, मलकियत है नहीं, मान साहब ने जिवें समुचे पंजाब तरक्कियां करन दा बीड़ा चुकिया होया है। संगरूर क्योंकि उन्हां दी आपदी धरती है और बस्तौना साहब यह जी पावन जगह है संत बाबा अतर सिंह महाराज की, कि उत्थे मेडिकल कॉलेज बनाने दे विच एस जी पी सी या श्रोमणी अकाली दल क्यों उहदे विच अड़िके पैदा करन, मैनूं तां समझ नहीं आ रही हैगी। जे वह कित उन्हां दा जो उन्हां दी गल पता लगी कित होर नाल वो एडजॉइनिंग जगह जी देनी चाहते ने वो दे देन उत्थे, और लोगों की मंग मुताबक लोग दसन इलाके दे कि सानू उत्थे जिहड़ी जगह हैगी उहदे च की बनाउणा चाहुंदे। मान साहब तो वह भी देण नूं तैयार ने, वह भी बनाउण नूं तैयार ने, पर एक चंगी भली जगह दे उपर जिथे ऑलरेडी सारा कुछ सैंक्शन हो चुकिया ते उत्थे क्यों लत्तां अड़ा रही है एस जी पी सी श्रोमणी कमेटी जो श्रोमणी अकाली दल, मैनूं समझ नहीं आ रहा हैगा। डिवेलपमेंट हुंदी शायद देखिए तो चली नहीं जा रही हैगी, जिहड़ा कि अनफॉर्चुनेट मनभग है। देखते चलो यह विकास है जिहड़ा वो यही नहीं है भी एक दिन करता तो मुड़ के काम मुक गया, यह तो रोज़ दी रोज़ नवे प्रोजेक्ट ध्यान दे विच आउंदे ने, नवीं चीज़ां लोगों तो पता लगदियां ने, तो वो मुताबक काम है जिहड़ा वो चलता रहिंदा। बहुत सारे प्रोजेक्ट ने जिहड़े वह शुरू हो चुके या पाइपलाइन दे विच ने, तो आने वाले समय जिवें जिवें लोगों की जरूरत होएगी वो मुताबक काम है जिहड़ा वो वड्डे पद्धर ते चलाया जाएगा। बड़ी जल्दी ही उधर पर भी काम शुरू हो जाएगा और बड़ी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नकोदर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने किया काबू, 3 क्विंटल सरिया किया बरामद। नकोदर पुलिस ने दड़ा सट्टा लगाने के आरोप में 2 लोगों को किया काबू, 20,610 रुपए की नकदी, 1 मोबाइल और दड़ा सट्टे का सामान किया बरामद। सुनाम में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने रिटेल सब्जी मंडी का किया उद्घाटन, 116 रेहड़ी फड़ी वालों को सौंपे अलॉटमेंट पत्र। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।